प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म के वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का नंबर आ चुका है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप वेरी शॉर्ट क्यों करा रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। भाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि इस बार आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले वो 16 आने वाले हैं, 16। अब उन 16 में से 12 तो भाई MCQ हैं और 4 assertion एंड रीज़न है। तो ये MCQ, ये assertion एंड रीज़न, ये तभी पॉसिबल है आप लोगों से होना जब आपसे वेरी शॉर्ट आते होंगे, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट के अंदर आते हैं ना, वो पूरा चैप्टर आ जाता, वेरी शॉर्ट के अंदर पूरा चैप्टर। अब उसी में से आपको MCQ बना कर दे देगा तो आप कितनी अच्छे आसानी से और अच्छे तरीके से लगा दोगे। इसीलिए मैं आप लोगों से ये ज़िद करता हूँ कि आप एक भी वेरी शॉर्ट को ना छोड़ें। प्लेलिस्ट पूरी प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, उसमें सारे के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रखे हुए मिल जाएंगे, किसी भी चैप्टर के। आप 12th में हो, किसी भी चैप्टर को उठा कर देख लो, आपको सारे के सारे वेरी शॉर्ट मिल जाएंगे। तो किस बात का आपको इंतज़ार है यार, करने में क्यों आप लेट कर रहे हो? आप सारे के सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दो, जितना लेट करोगे उतना आपको भारी लगना शुरू हो जाएगा। और एक बात और, जैसे कि अगर वेरी शॉर्ट की बात की जाए तो हर एक चैप्टर में 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से वेरी शॉर्ट है, तो दिमाग में आती होगी यार इतने सारे क्वेश्चन कौन कर रहा है। भाई, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में बनकर आ जाए। तो यहाँ आपको यही करना है, कुछ पढ़ो मत पढ़ो। देखो, 16 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर जिसके 16 नंबर ठीक हो गए ना, तो वो उसके चांस रहते हैं कि बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आ जाए। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार हमें तो पास होना, तो पास होने की नहीं, 16 नंबर बहुत हैं, क्योंकि 22 नंबर पर आप पासिंग पार हो गए। तो ये 16 नंबर आपको हर हाल में पूरे में से पूरे चाहिए ही, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में आए। और ये इतने लंबे तो हैं नहीं, बड़े छोटे छोटे, और समझाने का तरीका भी बड़ा रिलीवेंट, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1। हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हमसे बताओ कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस वर्ड का। वर्ड क्या है आपके सामने? मैग्नेटिज्म। देखो, मैग्नेटिज्म हो या फिर हो मैग्नेट, इस वर्ड का, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है? इसका हमसे ये नहीं पूछा कि इसका मतलब बताओ, हमसे कह रहा है कि यार ये वर्ड बना कहाँ से है। तो देखो, ग्रीस के अंदर एक आइलैंड था जिसका नाम था मैग्नीशिया। एक बार ध्यान सुनो, ग्रीस के अंदर एक आइलैंड था, उसका नाम था मैग्नीशिया। उस मैग्नीशिया पर मैग्नेट के डिपॉजिट पाए गए। जब मैग्नेट के डिपॉजिट पाए गए तो वहाँ से इसका नाम जनरेट हुआ, क्या? मैग्नेटिज्म। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना छोटा सा सिंपल सा। अब MCQ कैसे बन जाएगा? MCQ इस तरह से बन जाएगा कि मैग्नेटिज्म इज, है ना, ये जो वर्ड है मैग्नेटिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, चार ऑप्शन दे देगा, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम, चार ऑप्शन इस तरह दे देगा, तो आप मैगनी से पर टिक कर देना। तो ये इस तरह से बनेंगे इसके अंदर से MCQ। तो ध्यान से, ये जो मैग्नेटिज्म वर्ड का जो ओरिजिन है वो है मैग्नीशिया से, और ये जो मैग्नीशिया है एक्चुअल में एक आइलैंड है, मैंने आपको बता दिया, ग्रीस के अंदर, जिसका नाम था मैग्नीशिया। यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट के डिपॉजिट्स पाए गए। क्या पाए गए? नेचुरल मैग्नेट के डिपॉजिट्स पाए गए, इसलिए यहाँ से इसका नाम मिला है मैग्नेटिज्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले वेरी शॉर्ट की तरफ को चलते हैं। थैंक यू सो मच, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ यार, मैं खुद टाइम नहीं लूँगा आपका।